नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूँ कुमार तिवारी, आपको रतनगढ़ के दीनदयाल टाउन हॉल का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज अनुसूचित जनजाति और जाति का अभिनंदन समारोह, सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं, जाने माने जो इंजीनियर है सुगंधन जी भंडार और पुष्पला जी भंडार के द्वारा प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य होता है कि अनुसूचित जनजाति और जाति के जो लोग हैं उनकी प्रतिभाओं में विकास हो, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आगे मिले, क्योंकि किसी भी प्रतिभा का जब मंच पर सम्मान होता है तो उसको और अन्य प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है। और जब से कार्यक्रम सगुंचन जी भंडार के द्वारा आयोजित किया गया उसके बाद में निश्चित रूप से अनुसूचित जाति जनजाति की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन भी मिला है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छे मोमेंटोज और बहुत सारे अच्छे पुरस्कार सभी को दिए जाते हैं। साथ में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। आइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल से यह कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति महाकल्याण संस्थान के तत्वावधान में आयोजित नागरिक अभिनंदन प्रतिभा सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना लीला सपेरा इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रही है। ख्याति प्राप्त पल्लवी सिंह पंवार भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देगी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इंजीनियर सुगंधन जी मंडार और पुष्पता जी मंडार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पुष्पलता मंडार जी किसी पेशे के मोहताज नहीं है, अनेक राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड आपको मिल चुके हैं समाज सेवा के लिए। और आपके पति सुगंधन जी मंडार और आपके द्वारा ये कार्यक्रम बहुत मेहनत से आयोजित किया जाता है। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर SC ST अभिनंदन सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कार्यक्रम में लोग उपस्थित हैं। SC ST समाज की प्रतिभाओं का सम्मान होगा, यहाँ पर सफाई कर्मियों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक इंजीनियर सुगंधन जी मंडार है, जो सभी को संबोधित कर रहे हैं इस समय। गत 3 साल से लगातार ये बीड़ा उठा रखा है, आज ये तीसरा इस साल का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम में मेरे सम्माननीय बुजुर्गगण, नवयुवक साथियों, मेरी माताओं बहनों और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सभी का मैं अपने हृदय से उनका स्वागत करता हूं। मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि जो आपने अमूल्य समय निकालकर आज कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हैं। मैं सिर्फ ये आप उन छात्र छात्राओं के लिए विशेष तौर पर जिन्होंने 75% से अधिक अंक प्राप्त करके अपने परिवार का, अपने समाज का नाम गौरवान्वित किया है, आज मैं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित करके मैं अभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं। मेरे नवयुवक साथियों, मेरे आपसे मेरा विशेष अनुग्रह है, क्योंकि नवयुवक साथी है, जो नवयुवक है, पीढ़ी है, वो देश की कर्णधार है। छात्र छात्रा वर्ग भी इस समाज को नई दिशा दे सकते हैं। समाज के अंदर एक अपना एक लक्ष्य लेकर समाज के अंदर कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है, कोई मंत्री पद पर पहुंच सकता है, कोई राष्ट्रपति पद पर पहुंच सकता है। ये सिर्फ आप लोगों को आपका एक लक्ष्य बनाना चाहिए, और ये लक्ष्य बना के जब आप चलोगे तब आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेरे कर्म के प्रति सचेत रहेंगे कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इस तथ्य को, इस बात को अगर दृष्टिगत अपने अंदर रखते हुए अगर अपने कर्म के प्रति सचेत रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आ सकती, आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जीवन के अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य लेके जो आदमी चलता है उसको निश्चित रूप से
सफलता मिलती है। मेरे ऐसे ग्रामीण भाई बेटे हैं, मैं उनसे विशेष अनुग्रह करूंगा कि अगर आप जीवन के अंदर व्यसन मुक्त जीवन जिएंगे, आप किसी तरह का नशा नहीं करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका खुद का स्वास्थ्य, आपके आर्थिक संबलता आपका आपको निश्चित रूप से आएगी। इसलिए जीवन का प्रत्येक व्यक्ति, अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि हमें व्यसन मुक्त जीवन जीना है और हमें हमारे बच्चों को एक नई दिशा देनी है। अगर नई दिशा देंगे, आप देखोगे आज के कार्यक्रम में एक एक बच्ची, दोनों बच्चिया जो कार्यक्रम में आज बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बच्चिया है और वो मेरे निवेदन पे आपके सामने आई हैं। आज उनका प्रोग्राम देखा, उनके साथ में उनके माँ बाप उनके साथ में चल रहे उन बच्चियों के, और उनको इस स्टेज पे पहुंचाने वाले माँ बाप है ना, उस बच्ची के साथ साथ बराबर उसका सहयोग कर रहे हैं, तो आज वो बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। आपने कभी यूट्यूब पे देखा होगा कि लीला सपेरा, कभी आपने सुना होगा गुलाबा, गुलाबो एक कालबेलिया नृत्य के नाम से जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करी, एक साधारण समाज में परिवार उसी की बहन है, उसी के परिवार की सदस्य है। लीला काल के लिए आपके सामने आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी और मैं उस बात को पूर्ण करने के लिए मैंने उस बच्ची का बीएड में सीकर के अंदर एडमिशन कराया है। केवल ये नहीं है मेरा केवल मात्र लक्ष्य, ये नहीं है, मैं मोटिवेट करता हूँ बच्चे को और आर्थिक संबलता प्रदान करने में जो मेरा सहयोग होता है मैं उसमें हमेशा भागीदार बनता हूँ। आज उस बच्ची का मैंने अभी बाप भी बैठा है, आपकी इसकी माँ भी आई हुई है, 12,500 रुपए की फीस मैंने अपने हाथों से जमा करा के उस बच्ची का बीएड में एडमिशन करवाया है। ऐसे ही नहीं, बहुत से ऐसे केसेस में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं इस बात को, मेरे दिल के अंदर एक जज्बा है, एक दया है कि मैं अपने समाज की किस तरह से सेवा कर सकूं। हम दोनों पति पत्नी इस बात में लगे हुए हैं और जहां तक हो सकते हैं, मेरी जो नियम बना रखा है, मैंने 5% अपने वेतन में से, 5% मेरी पत्नी के वेतन में से मैं हर महीने खर्चा। लोग कई बातें ऐसे करते हैं कि यार बहुत बहुत अफसर है, घड़ाई ठेकेदार काम कर रहे हैं आगे नीचे, तो घड़ाई पीसा कमावे ऐसा है। आप मेरे नीचे जो भी ठेकेदार रहे हुए हैं ना, कभी किसी से जाके पूछ लेना कि सुगंचल ने कभी तुम्हारे से एक रुपया भी कभी अतिरिक्त लिया क्या। करने वाला व्यक्ति हूँ और ईमानदारी का निकाल, आज मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे कुछ निवेदन पर ये मेरे भाई बंधु आके और आज मेरे समाज का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है समाज के लिए मेरे कुछ निवेदन पर। देखिए कितनी, आज पूरी की सीट खाली नहीं है केवल, और ये अगर आचार संहिता ये इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता, कोई तरह की बात नहीं होती, तो मैं आपको भीड़ दिखा देता, लेकिन मैं इस बात के लिए भी खुश हूँ कि आज मेरे छोटे से निवेदन पे जिनमें मात्र में 20 गांव में भी जा पाया हूँ, जबकि रतनगढ़ तहसील के 101 गांव है, 20-30 गांव में जा पाया हूँ, 101 गांव का अगर मैं अपने स्तर पर दौरा कर लेता तो यहाँ भीड़ आपको देखने को मिलती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं पुनः अपने दिल से और इनको उनका हृदय से आभार प्रकटता हूँ। कार्यक्रम का आगे शुभारम्भ किया जाए, उससे पहले मैं हमारे जो हास्य कवि हैं आज के जो मंच का संचालन कर रहे हैं श्री हरिराम गोपालपुरा, एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। ये मेरे छोटा भाई है ड्यूटी थी और बाड़मेर से चल के मेरे पास आया था, आज भी इसकी अपनी दिन की ड्यूटी थी और ये मेरे निवेदन को, जबकि इसका आज पाली में प्रोग्राम है तो मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि ये मेरे आज कार्यक्रम को संचालन करने के लिए पहुँच रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत और जय भीम। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति जाति का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे किस तरह से सगुनचंद जी मंडार ने कहा कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति जनजाति की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए। वो अपने व्यक्तिगत वेतन से 5% निकालते हैं, उनकी धर्मपति पुष्पलता जी मंडार भी अपने जितनी भी इनकम है उनसे 5% समाज के लिए निकालती है और उस पैसे का उपयोग इस कार्यक्रम के आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसमें सैकड़ों प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है, जो छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से ऊपर के अंक प्राप्त करते हैं उनका मंच पर सम्मान किया जाता है, सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया जाता है, समाज की जो राजनीतिक या सांस्कृतिक प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान किया जाता है, साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाएं हैं अनुसूचित जाति जनजाति की, जैसा आज आप देख रहे हैं मंच पे देख रहे हैं लीला सपेरा और कुमार जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, दोनों को इस मंच पे आमंत्रित किया गया है।
ताकि समाज को पता चले कि हमारे समाज में इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा है और जो अन्य प्रतिभा है उनको भी प्रोत्साहन मिले कि हम भी कुछ करें, हमारी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने। इस तरह से मैं सुगुंचन जी मंडार और पुष्पा जी पंडार के जज्बे को नमन करता हूँ, जिस तरह से वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं वो निश्चित रूप से समाज के लिए एक वरदान साबित हो रहा।
गणपति आओ रिद्धि सिद्धि का दाता। अगली प्रस्तुति आपके सामने लेके आ रहे हैं छोटू जी मारवाड़ी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए छोटू जी मारवाड़ी के लिए। मेरा कर्म तू मेरा धर्म तू मेरा सब कुछ तू मेरा सब कुछ तू मुख्य अतिथि देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी इणवा पधार चुके आप देख रहे हैं। सम्मान्य श्री रानीदान जी उज्जवल साहब सीआई साहब मंच पर विराजे हमारे हेमाराम जी जाखड़ का विशेष सम्मान किया जा रहा है। बहुत योगदान रहता है सके चंदी भंडार के बहुत ही प्रिय हैं अजीज हैं। श्याई रानीदान जी भी बिदार चुके हैं कार्यक्रम में आप देख रहे हैं पूरा हॉल भर चुका है। अगर वो नहीं के रूप में पुष्पलता जी भंडार मंचा सो रही है। भव्य ऐसे अस्थि सम्मान समारोह शुरू हो रहा है। अनेक प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। माँ सरस्वती और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित हो रहा है। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए बाकी जहां को तो हम कर लेंगे संबोधित। हे माँ शारदे आपकी मेहरबानी। माँ शारदा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके सम्मान समारोह का आगाज हो रहा है। देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रेणवा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तमाम अतिथियों के साथ। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत ये दीप निश्चित रूप से दलित उत्थान का दीप है जागृति का दीप है जो सगुनचंद जी मंडार और पुष्पलता जी मंडार प्रज्वलित रखना चाहते हैं। पुष्पलता जी मंडार पूजन कर रही है माँ शारदा और अंबेडकर जी का। अतिथि सम्मान सत्कार के परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। काई स्वागत करा कि आप पधारया आंगने काई स्वागत करा भाल भरांगन मूर्तियां ऊपर धूम नेण धरा के मुख्य अतिथि राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री श्री राजकुमार जी रिणवा का सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले पुष्पमाला और राजस्थान के आन बान और शान का प्रतीक सपा पहनाया जा रहा है पगड़ी पहनाई जा रही है। मान का प्रतीक शॉल उड़ाया जा रहा है। स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। तनगढ़ शाही रानीदान जी चारण का सम्मान किया जा रहा है। और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है रानीदान
जी सी आएगा। विदा सरसम असवी निमराम जी जाखड़ का सम्मान किया जा रहा है। अब स्मृति चिन्ह का सम्मान किया जा रहा है निमराम जी जाखड़ का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर SC/ST सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। श्री सुगंचन जी मंडार और पुष्पलता जी मंडार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। मोहन लाल जी का सम्मान किया जा रहा है। सुगंचन जी मंडार सम्मान कर रहे हैं मोहन लाल जी का। श्री रामचंद्र जी दाइमा का सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। चाड़वास युवा समाज से भी पुटिया राजा का सम्मान किया जा रहा है। विकास समिति के महामंत्री गौतम जी महर्षि का सम्मान किया जा रहा है। सुगंजन जी भंडार सम्मान कर रहे हैं गौतम जी का। उनकी प्रमुख सूत्रधार पुष्पलता जी मंडार का सम्मान किया जा रहा है। आप ही के पति इंजीनियर सुगंजन जी मंडार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका पुष्पलता जी मंडार की रहती है। पुष्पलता जी मंडार का सम्मान किया जा रहा है। आपको अनेक राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिल चुके हैं समाज सेवा के लिए। पालिका अध्यक्ष नेतू कल्पना कांत जी का सम्मान किया जा रहा है। आयोजक सुगंचन जी मंडार इंजीनियर साहब का सम्मान किया जा रहा है। इस व्यक्तिगत जज्बे को नमन करता हूँ। पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, SC/ST के प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं। खुद इंजीनियर साहब का सम्मान किया जा रहा है।
शकुन चंद जी भंडार का सोन उड़ाकर अब सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक वेद प्रकाश जी पवार का सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों के स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि जिंदगी प्यारा सा गीत है, कि जिंदगी प्यारा सा गीत है इसे गुनगुना कर तो देखिए, कि जिंदगी प्यारा सा गीत है इसे गुनगुना कर तो देखिए, आशाओं का एक दीपक जला कर तो देखिए, ये आंधियां खुद बे खुद मोड़ लेगी अपना रास्ता, अपनी हस्ती को माननीय मंडार साहब जैसा दीपक बनाकर तो देखिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय परम श्रद्धे भाई साहब श्री राजकुमार जी रेणुमा, मेरे आदरणीय बहू जी विदासर से पधारे हैं श्री नेमाराम जी जाखड़, बड़े भाई साहब के रूप में बड़े सम्मान देने वाले मेरे रूप आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे लीटू कल्पना का नगर पालिका चेयरमैन रतनगढ़, और हमारे पूर्व जो सदैव करीब 35 सालों से 35 सालों से मेरा मेरे के लिए छोटे भाई के रूप में मेरा साथ दे रहे हैं भाई साहब गौतम जी महर्षि, और अब की बार जो कार्यक्रम में मेरे विशेष साथ देने वालों में मेरे आदरणीय मोहनलाल जी बाकोलिया जी, मेरे बड़े भाई साहब रामचंद्र जी दायमा, और श्रीमती पुष्पलता मंडल, और जो सदैव मेरा एक साथ छोटा सा एक नवयुग आदमी है, बहुत से समय से लंबे समय से मेरा परिचय है और हर समय मेरे कार्यक्रम में मेरा साथ रहता है, आपका चारवाल से जो पधारे हैं कुटिया राजा, आप उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कुटिया राजा के लिए, और मेरे साथी भाई मेरा वेद प्रकाश, मेरे साथी जो भी है रामेश्वर जी सोडा, मेरे विशेष तौर पर सहयोग करने वालों में भाई हरिप्रसाद जी पवार, और जो समस्त यहाँ पर विराजमान है मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करते हुए उनको सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मैंने आयोजित करने में प्रयास किया है, क्योंकि एक व्यवस्था करना भी बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, और व्यवस्था के लिए मैं आज उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, मेरे बहुत से जैसे मेरे भाई साहब आदरणीय भाई साहब राजपाल जी रेणुआ जी ने मुझे कहा कि तेरे तो बहुत भामाशाह है, एक चुनी बात भी पूर्णतः सत्य ही है कि मेरे जीवन में मैंने अपने कर्म और विहार से बहुत से ऐसे भामाशाह मेरे साथ देते हैं, आज मैं आपको उनको नाम गिनाऊं तो मैं बहुत, मेरे आदरणीय भाई साहब राजेंद्र जी नाटा जो छापर निवासी है कलकत्ता के प्रवासी है, आज जो बच्चों को मेडल दिया जा रहा है चांदी का, वो चांदी का 15 ग्राम का मेडल है, सारी के सारी व्यवस्था मेरे भाई साहब राजेंद्र जी नाटा ने और उनकी तरफ से है। एक मेरे भाई साहब छापर के और हैं जो साईं बाबा का मंदिर बनाया है और छापर के अंदर, वो मेरे अनुज हैं वैसे तो, और लेकिन नारायण जी मुंदड़ा है और नारायण जी मुंदड़ा के नाम से और साईं बाबा का मंदिर है, आज भी उनके कार्यक्रम में भी उनका बड़ा विशेष सहयोग रहा है। आपको ये भी बात कहना चाहूँ की भामा साहब दानदाता मेघ वालों में भी है, और एक मेघ वालों में 10 सुसर निवासी इंद्रचंद जी घुगरवाल और पिताजी नाम देदाराम जी घुगरवाल जो हर कार्यक्रम में मेरा सहयोग करते हैं, मुंबई प्रवासी है, और उनका भी मेरे हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूँ मेरे कार्यक्रम में। मेरे बहू जी तो बैठे हैं, उनके लिए क्या बार बार बात करूं, नेमाराम जी जाकर है आज उनके बदौलत में अगर 1 लाख का कार्यक्रम भी अगर आयोजित करूं तो मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अभी उन्होंने अपनी तरफ से मुझे ऐसे देखते ही कह देते भाई तेरा कार्यक्रम तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे मेरे भामा साहब जान देता हूँ नाम लूंगा तो बहुत से ऐसे हैं जो भी मेरे मेरे लिए मेरे जीवन के लिए मेरे मेरे साथ में मेरे सब कंधे से कंधा मिलाकर मेरा हर तरह से आर्थिक सहयोग करने में तैयार रहते हैं। मेरे भाई बंधु कई ऐसे हैं क्योंकि हर समाज में विरोधी पैदा होता है, और कहते हैं कि एक सिंह साहब तो सुगन चंद जी के पास तो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्टर काम करते हैं इसलिए ले लेते होंगे, मैं एक बात विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आदमी कोई भी कॉन्ट्रेक्टर आके आपको ये कह दे कि सुगन चंद ने कभी 1 रुपया भी ज्यादा लिया है कभी एक भी, तो मेरे को बता देना सामने खड़ा कर देना कि इस आदमी ने, मैंने ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम किया है,
और इस ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से स्वतः ही और मेरे प्रेम और प्यार से स्वतः ही लोग अपने स्वेच्छा से मेरे कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। और मैंने यही बोलता है, मेरे मेरे समाज के लोगों में से किसी भी मेरे भाई वेद प्रकाश बैठा है, मैंने इसे कभी भी इसे एक रुपया भी इसका भी खर्च नहीं होने दिया कि तुम भी एक रुपया खर्च कर दे इस कार्यक्रम में, एक रुपया भी खर्च मैं अपने वेतन में से 30-35 हजार रुपए खर्च करता हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने करता हूँ, क्योंकि मैंने एक नियम बना रखा है कि मैं 5% अपने वेतन में से खर्च करता हूँ, 5% मेरी श्रीमती पुष्पलता मंडार की वेतन में से खर्च करता हूँ, 10% हर महीने में, और इसी आधार पर मैंने कम से कम 26 बच्चियों की शादी में सहयोग कर दिया, 18-19 बच्चों को मैंने पढ़ा लिखा के लायक बना दिया कि जिसमें डॉक्टर इंजीनियर और टीचर बन चुके हैं, अकाउंटेंट बन चुके हैं। आपके सामने अभी भी उदाहरण है, ये बच्ची पल्लवी पवार है, ये बच्ची के पिता मेरे सामने एक बार कहा कि भाई साहब बच्ची का बीएड में एडमिशन हो गया लेकिन मेरी आज की स्थिति मंदी है और मैं उसके फीस नहीं जमा करा सकता, मैं उसे बस कहा कि आप मेरे रतनगढ़ आ जाइए और मैं आपको साथ लेके चलूंगा और आपका मैं ये पूछ लीजिए आप सामने है कि उन पिता और पुत्री को लेकर मैंने उस बीएड कॉलेज में एडमिशन कराया, मेरे खुद की जेब से 12,500 रुपए पॉकेट से जमा करा के उस बच्ची का, तो कहने का ये कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं ये सोचता हूँ समाज के मेरे बंधु बैठे हैं, अगर मैं मेरे जैसे बराबर के अधिकारी हैं वो देखते हैं, आप लोग देखते हो कि वो कभी पीड़ी पीते हैं, कोई पान पुड़िया खाता है, कोई जर्दा खाता है और कोई दारू पीता है, मैंने मेरे जीवन में ये दारू बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया खाना बिल्कुल कभी भी मैंने ये, मेरे को ये पता नहीं है टेस्ट क्या होता है पान पुड़िया का, इसलिए इसकी बदौलत जो मेरा पैसा उस दुर्व्यसन से बचता है वो पैसा मैं समाज की सेवा में लगाता हूँ। और मेरा ये कहना है कि मेरा यही आप लोगों से कहना है कि दुर्व्यसन से बचो और दुर्व्यसन से बचकर अपने जीवन का, अपने बच्चों का जीवन का लक्ष्य बनाकर उनको सफल बनाए, यही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। इसके साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा, भाई साहब बैठे हैं राजकुमार जी, केवल दो मात्र में मैंने 20 गांव का ये टूर कर पाया हूं भाई साहब, अगर मुझे एक 15 दिन का आप लोग टाइम दे देते और एक 101 गांव का तनगढ़ तहसील का दौरा कर लेता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 5,000 की गैदरी यहाँ करके दिखा देता, क्योंकि मेरे बंधु है ना, मेरी बात पे, मेरे टेलीफोन पे विश्वास करते हैं और आज ये भी जो आप लोग पधारे हो, मैं उनका हृदय से पुनः मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आपने अपने पैसे लगाकर अपनी गाड़ियों के साधन से ये जो ग्रामीण वासी पधारे हैं उनका मैं इन किन शब्दों में अपना बयान करूँ, मैं उनका हृदय से और हमेशा कृतार्थ रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा और उनके साथ में मेरे लिए आई कोई भी सेवा होगी मैं आपके लिए साथ खड़ा रहूंगा। और मैं ये चाहता हूँ मैं आप लोगों से जीवन के अंदर दो चीजें सीखो, एक तो समर्पण सीखो, अगर किसी के प्रति समर्पण हो तो समर्पित रहो उस आदमी के पास, चाहे वो आपका कभी भी अनादर करे लेकिन आपके दिल में समर्पण रहना चाहिए और समर्पण का नतीजा आपको अवश्य मिलेगा एक न दिन एक न दिन, इसलिए हमेशा समर्पण और सेवा का भावना का, अगर सरकारी सेवा में हो तो सेवा की भावना का जज्बा लेकर, ये मेरे भाई पूर्णाराम धाणी का बेटा है छापर की, ये मेरे को कहता था कि साहब मायने के पानी मिली सीखे, मैंने कहा बिजली और पानी दोनों मिलेगी और बिजली पानी भाई साहब की एक देन है कि एक साथ बिजली और पानी उस धाणियों में पहुंचाई, जितनी सुविधा उस धाणियों में है इतनी कहीं अन्य भी नहीं है, हर जगह जहाँ भी कोई अपना दुख दर्द लेके आया हमारे भाई साहब तो बहुत सहज सरल व्यक्ति के धनी है और सहज सरल व्यक्ति के धनी के पास जाने में कभी संकोच भी नहीं करना चाहिए, अपनी बात कहने में कोई भी संकोच नहीं, हमेशा अपनी बात कहना चाहिए और बात करके अपने कार्य को जब तक संपादित नहीं हो उस पर लगातार चक्कर काटो, क्योंकि अब मानना यह है कि एक दिन में फलाने ने कह दियो, अरे कहने से नहीं, एक बार कहने से नहीं, आपका काम जब तक नहीं हो, जब तक नहीं हो तब तक आप पीछा नहीं छोड़ो और पीछा नहीं छोड़ोगे तो आपको मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपका काम रुकेगा नहीं, केवल मात्र एक बार कहने से काम नहीं चलता, इसलिए हमेशा सच्ची भावना से, समर्पण की भावना से और समाज की सेवा के अंदर जो भी आगे आ गया, मैं उनका जो भी काम करने वाला मेरा बराबर का साथी समाज की सेवा में करेगा, मैं भी उस आदमी को हमेशा सम्मानित करने का आज के इस कार्यक्रम में मैं
कई आदमियों को जो मेरे समाज के काम करने वाले हैं उनको, कई संस्थाओं को सम्मानित करूंगा जो ये संस्थाएं समाज के लिए काम कर रही है, और उनका भी सम्मानित कर मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को केवल ये प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम मेरा लगातार तीसरा वर्ष है ये कार्यक्रम का, और ये आज की तारीख में चौथा कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये कार्यक्रम हमेशा जनवरी में होता था, लेकिन कुछ कार्यवश वजह से मैंने ये कार्यक्रम, क्योंकि जो सुविधाएं थी मेडल की सुविधाएं, जो अन्य कोई सुविधाएं थी, और आज के सुभाष जी चौधरी आपके फतेहपुर के हैं, अग्रवाल समाज से हैं, चलते मेरी एक मुलाकात हुई, चलते मुलाकात में आपको ये बताऊं कि उस आदमी ने पूरे के पूरे 100 के 100 सोल भेजे हैं, उसके लिए तालियां बजाकर स्वागत करें सुभाष जी चौधरी अग्रवाल। इसी तरह से एक मेरा छोटा भाई है, आपको जेगनिया विद्यावतान का भी भूसाराम गोदारा नाम है, उसका सूरत प्रवासी है और जेगनिया विद्यावतान का निवासी है, और मेरा छोटा भाई की तरह उसके मार बाप मेरा इतना आदर सम्मान करते हैं, और उस भाई को अभी मैं सूरत जाके आया, उस भाई ने मेरे को ये कहा भाई साहब वहाँ कार्यक्रम आज के उस भाई की तरफ से, हेमराज गोदारा की तरफ से, उसके भाई भूसाराम गोदारा की तरफ से देखने, आज जो सरकारी स्कूल है, जैसे सरकारी स्कूल हमारे उसमें सूडा बस्ती में है, उस सरकारी स्कूल के 80 बच्चे हैं, उसमें से 50 बच्चों को उनकी तरफ से दे, यानी 25,000 रुपए का खर्चा उस भाई ने मेरे लिए मेरे नाम पे खर्च किया है, उसके लिए मैं एक बार जोरदार ताली बजाइए भूसाराम गोदारा के लिए। ऐसे व्यक्ति के हैं छोटे छोटे नवयुवक आदमी है जो मेरा साथ देते हैं, मेरी बात पर अमल करते हैं और मेरी भावनाओं का कदर करते हैं, मैं उनको आज इस मंच के माध्यम से याद करके मुझे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे नारायण मुंद्रा है, नवयुवक आदमी है, और मेरे ये भाई भूसाराम गोदारा जो जेगनिया विद्यावतन का है, रतनगढ़ का निवासी है, रतनगढ़ तहसील का, ऐसे नवयुवक पीढ़ी को मैं, एक्चुअल में मुझसे छोटे हैं लेकिन फिर भी मैं उनको नमन करता हूँ, और नमन करते मैं अपनी वाणी को आराम दूंगा इन्हीं भावनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और अगर आदत पड़ जाती है ना, वो छूटती नहीं है। मैं ताऊ जी से निवेदन करूंगा, देखो ये सामने दो सीट खाली पड़ी है। अजीज भाई, उनका नाम भूल गया था, मेरे अजीज भाई रामचंद्र जी दाईमा, इनका हमेशा से सहयोग रहता है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए रामचंद्र जी दाईमा। और आज एक नवयुवक जो व्यापारी है हमारे यहाँ, ओम प्रकाश जी रेगर फौजी आदमी है, जिसने इस कार्यक्रम में हमें बड़ा ये साफे देकर हमें इनका कृतज्ञता किया है, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां ओम प्रकाश जी रेगर। पहले ही शादी हुई और मेरे घरवाली माताएं बहनें इतनी बैठी है, वो थोड़ी सी कम पड़ी हुई है, मतलब यहाँ मान लो जी 10वीं 12वीं है। अब्बा अंग्रेजी सीखवा के चक्कर में वो रात के खाने के वे डिनर, डिनर के वे लंच, दोपहर के वे ब्रेकफास्ट, अब काल दिन की बता दूं, मतलब काल दिन में 12 बजे रोटी लाई, बोली जी लो डिनर कर लो। अरे मतलब दिन के खाने को तो लंच बोला जाता है बावली भूज, बोली जी तो रात को ही है वो। अरे मैं क्यों रात बोली तो बारे बार कुत्तों को नहीं होगे, बोली जी मैं कुत्ते ने तो देख रही चारू मेरे पर कुत्तों को नहीं ला दो ये वास्ता है। मैं पुनः आपसे कहूंगा कि फूल से फूल मिले तो गजरे की लड़ी हो जाती है, कि फूल से फूल मिले तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे से लोहा मिले तो तैयार हथकड़ी हो जाती है। आप और हम तो इंसान है, अरे जुड़ना ही हमारी शक्ति है, पत्थर से पत्थर भी जुड़े तो इमारत खड़ी हो जाती है।
लीला सपेरा के पिताजी का सम्मान किया जा रहा है। लीला सपेरा ने भी शानदार प्रस्तुति दी। माननीय हिणवा साहब, हम पूरा कश्मीर कैसे दे सकते हैं उसको, आप बताएं मंडार साहब, कैसे दे सकते हैं? आप इतने सारे रतनगढ़ के बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, आप बताओ पूरा कश्मीर हम उसे कैसे दे सकते हैं, क्योंकि पूरा अपने पास है नहीं। कि माना सिंधु गांधी के देश के हैं, अहिंसा की तस्वीर देंगे हम। कि माना सिंधु गौतम गांधी के देश से है, अहिंसा की तस्वीर देंगे हम। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे हम। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे हम। तू हाथ मांगेगा तो पूरा शरीर देंगे हम। हमने दुनिया को सम्मान दिया है, एक बार फिर देंगे हम। मगर सुन ले, कश्मीर की बात मत करना, वरना टांग पे टांग धरेंगे और चीर देंगे हम। महिला सम्मान के अंतर्गत सबसे पहले पुष्प लता जी भंडार का सम्मान किया जा रहा है। 35 बार राज्य स्तर और जिला स्तर पर आपको सम्मानित किया जा चुका है। और SC ST सम्मान समारोह में सबसे पहले समाज की गौरव पुष्प लता जी भंडार का सम्मान किया जा रहा है। कमजोर वर्ग की महिलाओं की आवाज उठाने वाली, गरीबों के मसीहा, कमजोरों की आवाज, मनीता रेगर का सम्मान किया जा रहा है। मंजू जी रेगर का सम्मान किया जा रहा है। आपके सामने आ रही है अनिता जी, महक जी, दोनों भाइयां अनिता जी के लिए। अनिता जी का सम्मान किया जा रहा है। समाज में महिलाओं का बेहद सुब्रा जी का सम्मान किया जा रहा है। उषा जी टेलर का सम्मान किया जा रहा है। सरिता पड़ियार का सम्मान किया गया है। चंदा जी का सम्मान किया जा रहा है। कंचन जी का सम्मान किया जा रहा है। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है, वो समाज सौते होकर उठ जाता है। देवा निर्मला देगा सभी समाज। हरि सिंह पवार बीकानेर, सोलह कालिया बीकानेर। Oh,
पल्लवी के पिताजी का सम्मान किया जा रहा है। रेणुवा साहब मंच पर विराजे, बाऊजी नेमाराम जी, जाखड़ जी, कुटिया राजा भाई रामचंद्र जी, एक बहुआयामी कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया है, क्योंकि आज की भागती दौड़ती दुनिया में लोगों को अपने बारे में सोचने का समय नहीं, मनोरंजन के लिए कोई समय नहीं, सिर्फ अपने काम के लिए, या यूं कहे कि बस वक्त भौतिकवाद की तरह गुजरता जा रहा है। तो ऐसे में यह कार्यक्रम मनोरंजनात्मक आयोजित किया गया, जिसमें हमारी राजस्थान की महत्वपूर्ण संस्कृति, जो हमारी एक तरीके से पर्यटन विभाग में भी विरासत के रूप में गिनी जा रही है, उस संस्कृति को जो हम भूलते जा रहे हैं, उस संस्कृति का यहाँ आनंद लिया जाए, यह कार्यक्रम इसलिए भी रखा गया। साथ ही समाज में जो प्रतिभाएं हमारे विकास के लिए, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए तैयार हो रही हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए, और एकजुट होकर बैठकर ये सोचने के लिए कि हमारा समाज भी आगे जा रहा है, हमारी महिला बहनें भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, और वो महिलाओं को अग्रसर कर समाज को एकजुट कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं। तो इस तरीके का यह एक बहुआयामी साहिबाने बहुत ही सुंदर कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही। एक बार आप तक पहुंची हो तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, पूरा पंडाल जोरदार तालियां बजाकर मंडार साहिब तक पहुँचाएं। और मेरा निवेदन रहेगा सभी जातियां, यदि कहीं मैंने सटीक कहने की कोशिश की हो, मैं किसी बड़े कवि की उदार लेके आपके समक्ष रखता हूं कि नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, कि नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंदों में पानी अब कौन रखता है। अरे ये तो इस संस्था के संस्कारों की बात है, वरना इतने सलीके से इन प्रतिभाओं के प्रति प्रेम की निशानी अब कौन रखता है। अब कौन 10वीं क्लास की प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है, चांदी के मेडल पहनाए जा रहे हैं और मोमेंटो दिए जा रहे हैं। इंद्र दसवीं क्लास की एससी एसटी प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रेणुवा, नगर पालिका अध्यक्ष लेटू कल्पनाकांत, प्रतिभा समाज सेवियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, चांदी की मेडल और ट्रॉफियां लेकर। दसवीं क्लास की प्रतिभाओं का चांदी के मेडल और दो दो मोमेंटो देकर सम्मान किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल की तरफ से आप रतनगढ़ से देख रहे जापान एससी एसटी सम्मान समारोह किया जा रहा है। कक्षा 10वीं 12वीं की प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने 75% सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। साथ में दो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है, सुगच्छन जी मंडार, सुनीता जी मंडार के द्वारा कार्यक्रम रतनगढ़ के दीनदयाल टाउन हॉल में आयोजित किया जा रहा है। क्लास 12वीं की प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने 75% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले वर्षा मंडार, सचिन बोलिए, वंदना हंसराज मीणा, निर्मला कुमार, संदीप कुमार, कोमल मीणा, नारायणी मीणा, रेखा करोड़, आरती कुमार, पूजा नगर, सरोज, गरिमा नदिया, राजू सानिया, नीतिका गाड़िल, विशाखा कमल, ममता मीणा, गरिता बोलिए, अमित कुमार, नंदलाल मेहरा, कौशल्या आर्डिया, संदीप कुमार, संदीप कुमार के पश्चात यदि किसी का नाम है गुलवंत रह गया हो तो मंच पे आकर संपर्क करें। आपसे निवेदन रहेगा, अपने समाज की अपनी प्रतिभाएं अपने राज्य के समाज के दौरे जोरदार। देवस्थान विभाग मंत्री श्री राजकुमार जी रेणुवा सभी को मेडल पहना रहे हैं, साथ में नगर पालिका अध्यक्ष लेटू कल्पनाकांत जी और तमाम समाज से भी
SST की प्रतिभाओं शैक्षणिक प्रतिभाओं का सम्मान करें हैं। 12वीं क्लास में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं का सम्मान हो रहा है। जो बच्चे उपस्थित हैं उनके पेरेंट्स का सम्मान हो रहा है। पंडित दीनदयाल शेट्टी का कमलों से निकिता का सम्मान है। आपका संदाय में केवल कौन किया है और महाविद्यालय स्तर पर जो प्रतिभाएं उनका सम्मान किया जा रहा है। दुर्गा कुमारी पुत्र श्री फुलाराम जी मध्य पधारे। पुनः आपको ले चलते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की दुनिया में। पापी वकीली मन नींद कहां से होए चलिया थोड़ी प्रीत में
ज्यादा तालियां। हमारे आदरणीय भाई साहब राजकुमार जी रेणुआ जी अपने कोई विशेष कार्यक्रम है अलग से उसमें प्रस्थान करेंगे आप लोगों का कार्यक्रम, क्योंकि अभी पल्लवी सिंह पवार का बहुत ही अच्छा भवी नृत्य है वो अभी पहले बाकी है, उसके लिए आप और हमारी जो पार्श्व गायिका है श्री किरण शर्मा उसका भी आपके सामने भी ये प्रस्तुतियां बाकी है, इसलिए एससीएसटी के विभिन्न समाज के अध्यक्षों का सम्मान किया जा रहा है, विभिन्न संतों के पदाधिकारियों का सम्मान किया जा रहा है, ऐसे समाज के पदाधिकारियों का सम्मान हो रहा है। आज इस हिंदी में समाज को 100% समाज को लेकर समाज का देश का नाम रोशन किया है, तीन पत्रों का सम्मान उनकी माला बात कर दिया, शिवाय बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी न था माला बात कर दिया। हिंदी में 100% प्रणाम देने वाली प्रियंका जी का सम्मान किया जा रहा है, टीचर है 100% प्रणाम दिया है, ये आजादी उनकी बदौलत मिली है मेरे साथियों, जो लोग सर पे पतंग लेके निकले, जो लोग सर पे पतंग लेके निकले। एससीएसटी समाज प्रतिमा का ग्रहण करें, एससीएसटी के दिव्यांग का सम्मान किया जा रहा है, दिव्यांग नहीं है मेघवा समाज के अध्यक्ष हैं चूरू से पधारे हैं, इनका सम्मान किया जा रहा है, कोषाध्यक्ष है मेघवा समाज के, जिन्होंने एससीएसटी समाज के उत्थान में अपना योगदान दिया है, सभी समाज पर विराजमान अपना युवा ऊर्जावान चेयरमैन प्रिय भाई इंद्र कुमार सम्माननीय गो भक्त विदासर गौशाला का अध्यक्ष नेमाराम जी साहब सम्माननीय मोहन जी सम्माननीय रामचंद्र जी सम्माननीय गौतम जी महर्षि समाज सेवी भाई पुटिया राजा और ये कार्यक्रम का हीरो आयोजक परम सम्माननीय सुगंधचंद जी मंडार साहब और पीओ साहिबा पुष्पलता जी और वहाँ का सहसादी वेद प्रकाश जी और जितनी भी वहाँ का जी की टीम है वन को जितो अभिनंदन करूँ भी तो कम है, आज इतो शानदार कार्यक्रम शुरू से चल रहे है कि देखो कोई अंदाज को नहीं, एक मिनट के लिए बिजली गई ना मान के वो निजर लागी थारे कार्यक्रम के आज ही एक मिनट माजी सी कोई भी बिघनायो है एक मिनट ज्यादा कौन ज्यादा वो एक मिनट कोई भी बिघनायो करे हो वो वापिस आगे करी जो कार्यक्रम चल रहे है तो गजब को कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देने के लिए जो दो बालिकाओं आई है बाको मैं थाने बताऊं तो वो नृत्य जो कार्यक्रम है वो कोई राजस्थान चूर लेवल को कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल को जो संगीत और नृत्य पेश कर रहे हैं मैं जितो आशीर्वाद जितो कम है बहुत शानदार प्रदर्शन भागो चार आज जो सम्मान समारोह बालक बालिकाओं को संस्थाओं को हो रही है असाधारण बात को नहीं बहुत बड़ी बात है, आप देखा के एक मोमेंटो दे दियो सोल दे दी कर दी एक मेडल दे दियो 1,000, 2,000, 500 जो भी है रुपया की कीमत को नहीं हो सम्मान जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गए। अभी मैं दिल्ली गयो तो एक मित्र मिल गयो मैंने वो बोलो एक बार घर चाल कराओ चाय पानी पी कराओ तो मैं जब बोलती लड़की आई नहीं शादी शुदा लड़की तो आप को एल्बम लेकर आई है और कॉलेज के मायने कोई नंबर ज्यादा लेने समय फिर वो मोमेंटो दियो वो आज भी शादी के भी मैं एल्बम का मायने आगे आगे लगा रखे जीवन में कदे भूल कौन से गो जो क्षण है ना वो ऐतिहासिक क्षण है याद करोगा सुगंधचंद जी नारायण की टीम ने कवास्तम आप लोग इतना बड़ा सम्मान करवायो और सम्मान कराने से प्रोत्साहन बढ़े और निश्चित रूप से आगे जाकर आप आगे बढ़ा करा मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने भी समाज को ऐसे समाज से मैं जब भी चुनाव लड़े हूँ तीन चुनाव लड़े हूँ मैं सबसे पहले जगह दिन वोट पड़े मैं भी मोहल्ले में जाकर आऊँ आपने बताऊँ सबसे पहले सुबह मेरा नियम है जगह दिन वोटों की गिनती हो मैं सबसे पहले संघ का दर्शन कर कर आऊँ तीन चुनाव में जीते हूँ तीनों चुनाव में मेरे नियमित रूप रहे कर देखो एक प्रकृति मेरे के साथ दे रात ने चुनाव की घोषणा हुई है और मैं बहुत आभारी हूँ सुगंधचंद जी को कि सुबह पहले आज भी समाज को मैंने सामूहिक रूप से दर्शन करने को सौभाग्य मिल रहे तो रियली मैं प्रकृति की कृपा से ही सब काम हुए
जगह बीच का मायने छुआछूत की बातें करता बहुत घटिया लोग है, चाहे कोई भी जाति का हो। मनुष्य भगवान दो ही जातियां बनाई है, स्त्री और पुरुष, तीसरी कोई जाति कौन बनाई। यूरोप का कंट्री है जगह दो जाति बनाई है, गोरा और काला। कम्युनिस्ट दो जाति बनाई है, गरीब और धनवान। बाकी आप तो के षड्यंत्र जगह जगह आज तक गुलाम अपने हिंदुस्तान ने राखने की चेष्टा करी है। बल्कि बहुत वर्ग में जातिया में धर्म ने बांट कर अपने देश ने कमजोर कर दियो। अब जब भी अपने देश को इतिहास देखा कि अपने ऐसा ऐसा भीर होया कि नाड़ कटने के बाद में भी लक्ष्य ने प्राप्त कर लेता बेलो, इतना भीर होया करया भी कि बाद में हिंदुस्तान गुलाम क्यों हुयो। हिंदुस्तान के मायने युद्ध लड़ने को ठेको एक जाति ने, पूजा करने को ठेको एक जाति ने, व्यापार करने को ठेको एक जाति, सबसे बड़ी कमी रही। आई तो बड़ो आप लोग हिंदुस्तान होकर अगर आप सार्वजनिक सारे काम ने रखता तो आज आप गुलाम को नहीं होता। वो समय गयो, अब सारो काम सार्वजनिक है, हर आदमी हर जगह पूछ सके। आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ो आदमी अगर राष्ट्रपति हुए रामनाथ कोविंद है तो वो आपको समाज से आपने बताओ सबसे बड़ो पद है राष्ट्रपति को विपर रामनाथ जी कोविंद है आज पाड़े। तो बहुत समय गयो जब कोई भी पद के लिए कोई जाति विशेष की बात होती है। आज कोई भी आदमी अब तो रिजर्व कर दिया कि इतना पद तो जरूरी है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जगह 34 पद है एससी का एमएलए में भी, मैं 33 एमएलए मेरे बीजेपी से आज विधानसभा का मायने 34 में से एकमात्र एक आदमी को नहीं, बाकी 33 आदमी विधायक एससी का आज भी मायने है। हर तरह से सरकार को प्रयास रहे बार बता रहा सुगनचंद जी, सुगनचंद जी कैसे हीरो है आपके समाज को आपने बताओ। तो काम समाज के लिए करियो है जठे भी मैं तो आज 10-12 वर्ष से मेरे सागे है, खटे भी कोई डाणी में भी पानी की दिक्कत हुई तो फोन करने के सागे। नियम के विरुद्ध जाकर भी काम करना पड़े, पाइपलाइन गिरवानी है, कोई व्यवस्था करनी है। और मैं आपने बताऊं कि मेरे कन 3400 डाणे की लिस्ट आई रही डाणा का मायने कनेक्शन करने की 3000 डाणा को अभी तक कनेक्शन हो चुके, 400 मात्र रही। आपने बतावा जेको भी मैंने पूरा विश्वास है कि दिसंबर तक कोई भी डाणी बाकी को नहीं रहेगी। डाणे का मायने विद्युतीकरण है, पानी है, शिक्षा है, सड़का है, चेयरमैन है आप लोग। मैं आपने बताऊंगा खटे भी बेरो पटवे कोई भी एससी को मोलो है, गली है, खटे भी कभी ठीक है, सड़क की दूर थे एक मिनट में दूसरे मिनट में गुन रोके तो मारी तरफ से पूरा प्रयास है, पूरा सम्मान है समाज को। कभी ठीक है कोई भी तरह को काम अगर आयो करिए तो मैं भी पूरे सम्मान से करियो। चाहे अठे का सामुदायिक केंद्र है सब जगह रतनगढ़ का मायने, हर समाज का सामुदायिक केंद्र, चाहे हमारे कोटे से कराना पड़े हो, अम्बेडकर भवन बार बंद कर रहे, बाकी कोई भामा साथ से कराना हो तो बस से बातचीत कर कर भी बने, स्कूल ना तक आए सब काम हुए। और गाँव में आप तो करो जठे से भी जगह शादी विवाह के लिए रुकने के लिए सामुदायिक भावना की मेरी मांग आई। मैं सारा का सारा गाँव का सामुदायिक केंद्र है, कभी इस समाज ने कदम भी कोई चीज की तकलीफ नहीं हुए। हैंडपंप मांगिया, सिंगल फेस मांगिया, कम से कम भी 300 से ज्यादा सिंगल फेस से मैंने लेना पड़े है, काम कर सारा का सारा। कोई भी कमाने कोई बात को नहीं बाकी आ खटे भी कमजोरी रखने के मन कमाए जो को नहीं आपा कोई पिछड़ेड़ा। हाँ दलित आप जमानो गयो ने कोई पिछड़ेड़ा है ना कोई दलित है, आपा सब भाई हैं, सब आपा समान है, सब भी प्रकृति की आपा संतान है। आपा ने पतो है कि कुल लोग सब ये सब गलत बातें करे। भगवान राम और कृष्ण दो अवतार होया, राम जी को पूरा जन्म एससी के सागे बीतुए, 14 वर्ष के वनवास के मायने जितना भी एससी एससी का लोग है 13 वर्ष तक चित्रकूट में, तो चित्रकूट में भोजन की व्यवस्था करी भी के बाद का मायने वाल्मीकि जी के में गया, जटे भी गए, चित्रकूट गए, बाद में पंचमठी गए, सब जगह सारा का सारा जगह आदिवासी लोग का जगह ही भोजन की व्यवस्था करता वहां का। और बाद में अपन भक्तों के बाकी संतान है जिकी वाल्मीकि जी के लघु से जगह वाल्मीकि जी के आश्रम में बड़ा हुआ। आज एक से एक विलक्षण संत है जगह, चाहे रैदास जी हो वाल्मीकि जी हो, एक से एक संत है, पूरी लिस्ट है जगह भक्तमाला में देखा करो। तो के लिए कोई ठेको को नहीं, कोई जाति विशेष कोई संत हुए, सब जाति है जी बराबर है, सब ने परमात्मा बराबर बनाया है। आप लोग भेदभाव करने की चेष्टा करा, मैं तो करे जिंदगी में भेदभाव करियो को नहीं, करना को तो मतलब ही को नहीं। अब तो जीवन को चल रहे कब देव ठीक है जो भी है, तो ये वास्ते आप लोग जगह इतनी बड़ी संख्या में आया और इतना बड़ो सम्मान समारोह के नए इन्हें थे एकदम सफल बनाए के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद है। और पुणे में सुगनचंद जी ने और कुशलता जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
પ્રતિભામાં કોઈ તો બડો સન્માન કર્યો, જે સંસ્થામાં એ મેં સામી લેવા કોઈ તો બડો સન્માન કર્યો. મને બહુ જરૂરી કામ છે, રાજા દે સર જાણો હે 2 બજે બહુ બડો ગ્રુપ હે જો ઓશિયા માઈ જોધપુર પેદલ જા રહે બને હરિદંડી દેખાણો હે બેબી પેદલ યાત્રી હે તો બને ધૂપ મે યાદા રાખનો ની તો શાનદાર પ્રોગ્રામ રહે રહ્યો. મેં તો પૂરો પ્રોગ્રામ દેખ કર જાતો બાકી આપસે નિવેદન હે કે પૂરો પ્રોગ્રામ આપ દેખોગા સારા કાર્યક્રમ માં સામેલ હોગા. બહુ બહુ ધન્યવાદ. બહુ બહુ અભિનંદન. જિન પ્રતિભાઓ કા સરકારી સેવા મે ચયન હુઆ ઉનકા સન્માન કિયા જા રહા હે. એસસી એસટી પ્રતિભા સન્માન સમારોહ રતનગઢ મે આયોજિત કિયા જા રહા હે શ્રી સુગનચંદજી મંડાર ઓર સુંદરજી મંડાર કે દ્વારા. और समाज की उन प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है जो सरकारी सेवाओं में चयनित हुई हैं. हरिराम जी गोपालपुरा का सम्मान किया जा रहा है. आप बिजली विभाग में सरकारी सेवा में कार्य कर रहे हैं और कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं. पल्लवी सिंह पवार का भवाई नृत्य आप देखेंगे.
राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना पल्लवी सिंह पवार, जोर से बजा दीजिए ताली। कांच के बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में परिवर्तन, पैरों से Yeah.
जोर से बजा दीजिए ताली पल्लवी सिंह पवार के लिए। ये आकर्षक नृत्य है राजू। माननीय नेमाराम जी जाखड़ का अभिनंदन पत्र भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। सिद्धि समाजी कर्मजा इस सुभाषित में चिन्हित भाव को हृदयंगम कर आपके सदैव समाज सेवा के क्षेत्र में सतत उल्लेखनीय कार्य किया है। आपका व्यक्तिगत सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन शुभ्र ज्योतिमा से युक्त है। सेवा परमो धर्म की अवधारणा से अभिप्रेरित आपका जीवन सेवा परोपकार और सौजन्य के दिव्य अवदान श्लाघनीय है। आप देश समाज और परिवेश के उत्थान के लिए नूतन कीर्तिमान स्थापित करते हैं। यहाँ हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। आपके कार्यों एवं उपलब्धियों की सराहना करते हुए आपका अभिनंदन करते हुए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति महाकल्याण संस्थान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आपका प्रेरणादायक एवं प्रेरणास्पद मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंगल कामना शुभकामना सहित माननीय नेमाराम जी जाखड़ को यह अभिनंदन पत्र अभिवादन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। धन्यवाद। चिंतन को बदलो अपने आप बदल जाएंगे। किस्तियों को बदलने से कुछ नहीं होता। अपने विचारों को बदलो तो दिशाएं बदल जाएंगी। क्योंकि आपने देखा कि ये बालिकाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपने जगह का अपने समाज का और अपने देश का रोशन कर रही है नाम। और ये नाम रोशन करवाने में इनके अभिभावक महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। तो जोरदार तालियां इन बेटियों के नाम पर। रेवंत राम ढाका मात्र 25-30 साल की उम्र का मेरे लिए इतना समर्पित आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने अभी 3 दिन पहले उनसे बात कही थी। मैंने कहा भैया आपको मोमेंटो भेज रहे हैं। उस भाई ने बिना किसी चिंतन किए जबकि उसके पेट का फ्रैक्चर हो चुका बाहर निकलने में असमर्थ है और चलने में असमर्थ है लेकिन मेरे भाई ने मेरी मान और सम्मान के लिए ये देखिए आपके सामने पूरे के पूरे मोमेंटो जो आपके सामने शो विशिष्ट अतिथियों सम्मानित करके मैं उस इस मंच के माध्यम से मैं अपने उस भाई को भाई मेरे रेवंत राम ढाका को नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ और उसको बहुत बहुत धन्यवाद उसका सदैव आभारी रहूंगा। क्या है आशा प्रजापत राधा खिचड़ और ज्योति ये तीनों बच्चियां आ जाए स्टेज पे। इन बच्चियों को सम्मानित किया जाएगा। तीनों बच्चियां आ जाए स्टेज पे जल्दी आए तीनों।
निवासी 100 रुपए दे दो। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार लीला सपेरा को सभी सम्मानित कर रहे हैं। हमारे समाज के जो समाज के समाज सेवी को सम्मान किया जा रहा है। मैं बड़ा भारी हूँ की लीला से माध्यम से नाम भी करवाया और एक ऐसी महिला की सुंदर की बीरबल राम मेघवाल जगदेश पे आ जाए इंजीनियरिंग के नाम जैसा कार्य करता है। अच्छा सर मन्ना राम जी सीत सर से पधारे हैं। मन्ना राम जी सीत सर उनका भी सम्मान से मानकरलाल ब्रोड़ ये मैं उसका अभी आपको प्रोग्राम हमारे शिक्षक में और जितूराम रेवाल राजा और सदैव प्रसाद कुमार हमारे बहुत अच्छे सामाजिक बाल्मीकि सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं उनके माता श्री पधारे में उनका नायक हरीश नायक हमारे जो बिलानिया जगदीश जी बिलानी माता श्री का भी सम्मान किया जाएगा। चंदेल कृपया केस राधाकृष्ण विवेक कुमार गोविंद राम रोलर पाल जी सांडवा जेठाराम सांडवा दीजिए। राजू देवी तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है भोपाल जाति के राजू देवी I'm not afraid of the dark.
राजू देवी को सम्मानित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भोपाल कलाकार है शिवलाल जी का अपना डिजाइन शिवलाल जी का ये जितने भी है एस सी एस टी सम्मान समारोह में आप देख रहे हैं विभिन्न ग्राम की प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है जो समाज के लिए योगदान करते हैं।
जी की शर्मा का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं। मंच के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, बहुत अच्छी गायिका है रतनगढ़ की और आज के कार्यक्रम में बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम के इस सम्माननीय मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, कार्यक्रम के आयोजक और हमारे शहर रतनगढ़ से पधारे हुए आप सभी गणमान्य, ये कार्यक्रम आपने किया है, इसके लिए मुझे बुलाया। मैं हालांकि बीच में चला गया, कोई बहुत ज़रूरी कार्य हो गया, और पुलिस में आप जानते हैं कि काम होता है तो फिर जाना ही पड़ता है। मेरी इच्छा पूरी थी कि मैं इस कार्यक्रम को पूरा अटेंड करूं और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। और वैसे तो मैंने ये कार्यक्रम देखा नहीं, लेकिन जो मुझे बताया गया कि इस शहर की जो विशिष्ट जो काम करने वाले हैं और जो जिन्होंने अच्छे उपलब्धियां हासिल की उनको सम्मानित किया गया है, तो उन सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयां और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। और अब क्या अधिकतर लोग जा चुके हैं तो बोलने में भी आनंद नहीं आ रहा है, जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो आदमी बोले भी क्या, अगर पूरा हॉल भरा हुआ होता तो ज़रूर। मेरी प्रतिभाओं का सम्मान आज SC ST सम्मान समारोह में किया जा रहा है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए हैं। श्री सुगनचंद जी मंडार, पुष्पता जी मंडार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है। कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है। युवाओं का बहुत बड़ा योगदान इस कार्यक्रम की सफलता में रहता है, सभी का सम्मान किया जा रहा है। शिव कुमार तिवारी जी के इनका स्वागत किया जा रहा है SHO साहब के द्वारा, शिव कुमार तिवारी जी का। आज रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में SC ST प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रतिभाओं का सम्मान हुआ, लेकिन दो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं ने यहाँ पर जिस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए उसको लेकर निश्चित रूप से SC ST को इस पर गर्व होना चाहिए। और इस समय मेरे साथ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा है, लीला सपेरा, जो अनेक देशों में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी है, और उन्होंने अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये बता भी दिया कि निश्चित रूप से वो बहुत ही प्रतिभाशाली एक कलाकार है, बहुत ही अच्छी डांसर है। और वैसे भी आप जानते हैं गुलाबो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कालबेलिया के नृत्य के माध्यम से कर चुकी हैं, उसी के परिवार की है लीला, ये बातचीत करता है। बहुत बहुत स्वागत आपका, आप बताएंगे कि आपका गुरु कौन है इस नृत्य में? मेरी बड़ी दीदी है रेखा कालबेलिया करके जी, हाँ वो करती थी, मुझे शौक था इसका डांस करने का, मैं बचपन से यही सीखा 8 साल से, मुझे शौक था डांस करने का, कालबेलिया ये भोई चरी घूमर ऑल इंडिया मैंने जा चुकी हूँ, मैं यहाँ पे फ्रांस जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑल इंडिया हम करते। कितने देशों में कार्यक्रम आपने किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? मैं अभी तो फिलहाल गई थी यहाँ फ्रांस गई थी, ऑस्ट्रेलिया गई थी, अभी शायद और भी जा रही हूँ मैं यहाँ पे पेरिस। नृत्य के साथ पढ़ाई करती है? नहीं की आपने? नहीं मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, और हमारे ना समाज में क्या ना पहले कुछ पढ़े वढ़े ही नहीं करवाते थे, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की, बस डांस ही सीखा ये। आपको नहीं लगता कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती, अभी भी आप पढ़ाई कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बस जितनी भी बहनें हैं, हम 4 बहनें पढ़ाई नहीं की है, जब 3 है 2 भाई है 1 सिस्टर है छोटी, वो पढ़ाई कर रहे हैं अब, जैसे हमारा तो ये गाना था, मतलब ये गा रहे थे डांस कर रहे थे भी नहीं। आप अलग स्थानों में जाते हैं, विदेशों में जाती है, आपको नहीं लगता कि आपको शिक्षा की जरूरत है? हाँ बिल्कुल लगता है मुझे, तो फिर भी दिमाग से चला देते हैं। चलिए आगे क्या इस नृत्य को कहाँ तक ले जाना चाहती है, आपको क्या इच्छा है कि वो एक और ज़्यादा बड़ा कलाकार का नाम आपके रूप में हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ मैं अच्छी तरक्की करूँ और सबको डांस सीखूँ और मैं और भी डांस करूँ और भी आगे बढ़ूँ। आपके नृत्य को हजारों लोग देखते हैं, बहुत सराहना करते हैं, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। लीला मेरा इंटरव्यू जब सार्थक होगा कि आप संकल्प करेंगे आज की मैं पढ़ाई करूंगी? बिल्कुल पढ़ाई करूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, आज की बेटियां अगर पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। आप एक कलाकार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने विद्या ग्रहण नहीं किया तो आप उस अपनी प्रतिभा का
वो इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एक पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है, और लीला भी छोटी है। मुझे उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से पढ़ेगी और इस अपनी कलाकारी के माध्यम से अपना और अपने परिवार का, अपने देश का, अपने राजस्थान का नाम रोशन करेगी। इंसान वो नहीं होता है जो केवल अपने लिए जीता है, इंसान वह जो समाज के लिए जीता है, अपने राष्ट्र के लिए जीता है। और ऐसा ही एक दंपति मेरे साथ हैं, आप शगुनरंजन जी मंडार और पुष्पता जी मंडार को देख रहे हैं, आदर्श दंपति है जो बहुत अच्छा कार्य अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। SC ST की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और जब से कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है SC ST की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के एक मंच पर लाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनके प्रदर्शन को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है और लोग इसकी बहुत सराहना करते हैं। दोनों हमारे साथ है, मैं दंपति से बातचीत करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपका, कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो SCN के जो हमारे आज के इस कार्यक्रम का जो आपने कवरेज किया है उसके लिए मैं SR तिवाड़ी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको। और इस कार्यक्रम के लिए जो आपने देखा है सारी रूपरेखा और मेरी श्रीमती जी पुष्पलता जी ने और मैंने मिलकर बनाई है, और सभी इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेरा मात्र उद्देश्य ये है कि मेरे समाज के जो नवी पीढ़ी है, मेरे समाज के जो छात्र छात्रा वर्ग है, उनको एक नई दिशा मिले, शिक्षा के क्षेत्र में वो उन्नति करे और निरंतर उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये मेरा तीसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया आज। और इस कार्यक्रम में अधिकतम जो उपस्थिति इस समाज के लिए, मैं उनका भी कृतज्ञ ज्ञापित करता हूँ और ये धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज इस कार्यक्रम में सभी ने उपस्थिति देकर और सब ने अपने एकमात्र उद्देश्य मेरा ये भी है कि इसमें इस माध्यम से इस समाज के लोगों में जागरूकता पैदा हुए, इस समाज के लोगों में एक सोच पैदा हुए कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये इन्हीं धन्यवाद। बहुत अच्छी सोच है, समाज में जागृति आती है, समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है, उनकी भी इच्छा होती है कि इस मंच के माध्यम से हमें भी सम्मानित किया जाए और उसके लिए प्रतिभाएं आगे प्रयास करती हैं। एक ऐसी महिला जिसको सैकड़ों सम्मान मिल चुके हैं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, और बहुत अच्छी कार्यकर्ता हैं, शिक्षा के क्षेत्र की हस्ती हैं, आइए पुष्पता भंडार जी से बातचीत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत। और मैं देख रहा हूँ कि आपकी प्रतिभा सम्मान समारोह में महिलाओं को लड़कियों की शिक्षा का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। मैं सबसे पहले SCN सुजला SCN सुजला के डायरेक्टर श्री तिवाड़ी जी को कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी, क्योंकि उनके पधारने से जो कार्यक्रम यहाँ इतना भव्यता से हुआ, जो लोग नहीं यहाँ आ सके उन लोगों को यह कार्यक्रम बिल्कुल रूबरू दिखाया जाएगा, इसके लिए इनकी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। वैसे ये मेरे पतिदेव श्री सुगनचंद जी मंडार साहब बड़े ही संकल्पित और अपने समाज के प्रति बड़े ही समर्पित हैं, और इस समर्पण के कारण इनका ये कहना है कि समाज उत्तरोत्तर प्रगति जब ही कर पाता है जब चिंतन सकारात्मक हो और जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाया जाए, उनके आत्मबल के साथ वो लोग बढ़ें। अभी उदाहरण देखने को मुझे मिला कि पिछले सत्र में जो बच्चे 9th क्लास में थे और उन बच्चों से गांव में जाकर मेरे हस्बैंड ने और मैंने बात करी, और उन्होंने अभी आकर हमें जब मार्कशीट दी और उन्होंने कहा कि मैडम आप लोग पिछले सत्र में हमें कहकर आए थे कि अगर तुम 90% से अधिक नंबर लेके आए तो तुम्हें मंच पर हम सम्मानित करेंगे, तो ये देखिए हमारी मार्कशीट, हमने 98.40 अंक प्राप्त किए हैं। इसी तरीके से एक बच्चे ने 96.77 अंक प्राप्त किए, तो ये एक तरीके से मनोबल बढ़ता है। उनको कहना क्या होता है, सिर्फ इतना ही तो कहना होता है सबके सामने, आपको हम चांदी का मेडल देंगे, आपको सम्मानित करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, तो उनका मनोबल रहता है और वो सारे साल मेहनत करते हैं और उस मेहनत का परिणाम ये होता है कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो एक तरीके से विकास की धारा में अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, शिक्षा के वो सोपान छूने के लिए तैयार खड़ी है जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक सपना लिया था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो ये कार्यक्रम इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करता है, क्योंकि संगठित के साथ आपने देखा ये पूरा का पूरा टाउन हॉल कुर्सियों के साथ भरा हुआ था और आसपास भी इतने लोग खड़े थे कि बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो ये संगठन का ही एक परिणाम दिखाई दे रहा है। और जो ये प्रतिभाएं उभर कर हमारे सामने आ रही हैं वो एक संघर्ष का परिणाम दिखाई दे रहा है, और शिक्षा में 100 में से 98% 99%
96%। सैकड़ों बच्चे हमारे 10वीं 12वीं और स्नातक में स्नातकोत्तर में आ रहे हैं, ये शिक्षा की ज्योति को जगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो ये नारा है ये सार्थक हो रहा है, और इस नारे को सार्थक करने के लिए मेरे पतिदेव श्री सुगंध चंद जी मंडार अपने जीवन की मेहनत संघर्ष करते हुए इन प्रतिभाओं को समाज के सामने ला रहे हैं, समाज को एकजुट कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। वास्तव में ये साधुवाद के पात्र हैं। मैं तो कई बार स्त्री सुलभ नेचर होने के कारण इनका प्रतिद्वंद भी करती हूँ, प्रतिवाद भी करती हूँ, क्योंकि पास से पैसा लगता है तो कई बार मुझे भी बड़ी खुंदक भी आती है। मैं इनको कहती हूँ क्या करते हो, ये तो मैं कमा रही हूँ, साथ में तो घर अच्छी तरीके से चल रहा है, नहीं तो आप तो सारा ही लुटा दोगे, ऐसा कर दोगे। कई बार ऐसे स्त्री सुलभ होने पर कह भी देती हूँ, लेकिन फिर भी ये इतने सहज, इतने सरल और इतने ज़्यादा समर्पित हैं समाज के प्रति कि ये सब कुछ सुनते हुए भी अपने काम को अपने हिसाब से अंजाम देते चले आते हैं। आपने देखा इस कार्यक्रम को कितनी भव्यता से इन्होंने अंजाम दिया और ये पूर्ण हुआ, इसमें सभी लोगों ने इनकी प्रशंसा भी की और इनको सफलता मिली। मैं इनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सभी पत्रकार गणों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करती हूँ। जो लोग हमारे छोटे से नोटिस पर यहाँ पधारे, जनता के जो लोग, गाँव के जो लोग हम लोगों के सीधे संपर्क में हैं और वो हमारी जरा सी प्रार्थना पर यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, मैं उनको तहे दिल से सभी आने वाले ग्रामीण जन, सभी शहर से आने वाले महिला बहनें और माताओं को, सभी लोगों को वापस हृदय से आभार, तहे दिल से उनकी आभार ज्ञापित करते हुए धन्यवाद देती हूँ। आप सुन रहे हैं कितनी अच्छी भावनाएं हैं दोनों की, और वैसे कहा जाता है कि अच्छे कार्य की प्रेरणा पत्नी देती है, हालांकि ये कह रही कि मैं कई बार मना कर देती हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद बता रहे थे सुगंध चंद जी कि 5% राशि दोनों अपने वेतन से काटकर इन प्रतिभाओं के सम्मान में लगाते हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि जो अच्छा कार्य करते हैं समाज उनके साथ होता है, और ऐसी प्रतिभाओं का जो निश्चित रूप से पिछड़ी क्षेत्र की प्रतिभा हैं उनको अगर इस तरह से आगे बढ़ाने का कार्य सुगंध चंद जी और पुष्पला जी कर रही हैं तो निश्चित रूप से मैं इस जज्बे को नमन करता हूँ। कार्यक्रम के संयोजक वेद प्रकाश जी पंवार हमारे साथ है, जो काफ़ी मेहनत कर रहे थे कार्यक्रम के लिए। वेद जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत सफल सुंदर कार्यक्रम हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। सर, हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सुगंध चंद जी मंडार व पुष्पलता जी मंडार ने जो मेरे को संयोजक की जिम्मेदारी दी, इनके साथ रहकर मेरे को बहुत ही आनंद आता है। इनके कार्यक्रम में मेरे को कार्य करने में भी बहुत आनंद आता है। इन्होंने जितने भी कार्यक्रम किए हैं मेरे को संयोजक बनाया, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। यह था रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर SC ST सम्मान समारोह आयोजित किया गया, प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ और साथ में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। बहुत सुंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकारों ने प्रस्तुतियाँ दी और समाज की सैकड़ों प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान किया गया। ऐसे सुधागिला में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी संदीप कुमार के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।